हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर फोर्थ ऑफ ज्योग्राफी, दैट्स नेम इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का रिमेनिंग टॉपिक जो हमारा कल रह गया था, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ कंट्री, कि हमारे देश के जो वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिनमें से फर्स्ट हम बता सकते हैं 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फ्यूना। 14 जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं जिनसे हम फ्लोरा और फ्यूना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 4 आउट ऑफ दीज द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल, इनमें से 4 जो हैं सुंदरबन बंगाल में हैं, नंदा देवी इन उत्तरांचल में है, द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु में है, एंड द नीलगिरीज केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु में है, हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और ये विश्व के जो हम ये कहें कि एक नेटवर्क के अंदर शामिल किए गए हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। सेकेंड हम बात करें तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। 1992 के बाद में सरकार ने कई सारे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस स्थापित किए हैं जिससे कि बायोटेक्निकल गार्डन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। थर्ड है द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रोहिनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 89 नेशनल पार्क्स, 29 वाइल्ड सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज, यानी 89 नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स हैं जिनसे कि हम नेचुरल हेरिटेज की केयर कर सकें। एज All of us must realize the importance of natural ecosystem for our own survival. हमारे खुद के जीने के लिए हमें इन सब natural ecosystem की importance को जानना होगा, महसूस करना होगा। It is possible और ये तभी संभव है if indiscriminate रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ पुट एन इमीडिएट एंड, कि जिस तरह का जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनकी जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका ह्रास कर रहे हैं, या उनका हम ये कहें कि उनका अत्यधिक मात्रा में शोधन कर रहे हैं, उसे हम तुरंत रोकना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आने वाली जनरेशन को इस गिफ्ट को हम दे सकते हैं। नाउ दीज आर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर Here your first question, choose the right answer from the four alternatives given below. To which one of the following type of vegetation does rubber belong? That is tropical evergreen. Cinchona tree are found in the area of rainfall more than 100 centimeter. In which of the following state is the simple bioreserve located? That is Odisha. Which one of the following bioreserves of India is not included in the World Network of Bioreserves, that is Manas? Answer the following questions briefly. The first one is, what factor are responsible for the distribution of plant and animal in India? भारत के अंदर जो एनिमल हैं और प्लांट्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके वितरण में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो शामिल किए जाते हैं, तो फर्स्ट इसमें आता है रिलीफ। रिलीफ के अंदर जो है आपका लैंड और सॉइल आता है, जैसे कि लैंड जो है उसका बनावट कैसी है, उसी तरह का एग्रीकल्चर वहाँ पे होगा, किस तरह की घास वहाँ पे होती है। सॉइल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। कैक्टस एंड थ्रोनी ब्रशेज ग्रो वेल इन द डेजर्ट, मार्शी डेल्टिक सॉइल्स आर कॉनिकल ट्रीज इन द हिली स्लोप्स। सेकेंड इसमें है आपका क्लाइमेट, टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रोथ, ट्रीज ग्रोथ डिफर्स डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर लोकेटेड इन द माउंटेन्स। दैन नेक्स्ट है इसमें क्लाइमेट में बी टॉपिक, वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो है आपका वो भी ट्रीज़ की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। समर में जो है पेड़ पौधे जो हैं वो ग्रोथ करते हैं फास्टर एज कंपेरिजन ऑफ विंटर सीजन। फिर आपका प्रिसेप्शन है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव डेसेंस वेजिटेशन दैन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, कि जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे जंगल या वेजिटेशन वनस्पति जो है वो कम पाई जाएगी, एज़ कंपेरिजन कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे घनी वेजिटेशन पाई जाएगी। देयर इज़ अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन रीजन्स वेयर द साउथ वेस्ट समर मानसून कॉज हैवी रेन
और जहाँ पे समर मानसून से अच्छी बारिश होती है वहाँ पे, जैसे कि वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है आपका, व्हाट इज़ अ बायो रिजर्व, गिव टू एग्जांपल्स। बायो रिजर्व क्या है, उनके दो एग्जांपल्स हमें देने हैं। अ बायो रिजर्व इन एन इकोसिस्टम हैविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अनयूजुअल साइंटिफिक एंड नेचुरल डेंसिटी, दीज आर प्रिजर्वड इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एनिमल्स हैविंग देयर हैबिटेट इन माउंटेन एंड ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो तिब्बतियन एंटीलॉप एंड कश्मीर स्टैग हैव देयर हैबिटेट इन माउंटेन वेजिटेशन इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बैट्स एंड स्लोथ्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेडिकेशियस फॉरेस्ट। स्नेक एंड टॉर्टाइस एग्जिस्ट। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है फ्लोरा एंड फ्यूना के बीच में। द वर्ड फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स of a particular region or a period, and the species of animals are referred to as fauna. Then tropical evergreen and dedicated forest ke beech mein hamein differentiate karna hai. To tropical evergreen forest are found in regions where rainfall is heavy, over 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ पे ही जंगल पाए जाते हैं। ये जंगल जो है हमेशा ग्रीन रहते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो कई कई सालों तक नहीं गिराते हैं ये पौधे। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ल्यूसियंट और मल्टीआर्ट्स एंड ग्रेट वैरायटी जो है वेजिटेशन की पाई जाती है। इनकी कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस काफ़ी होती है, जैसे कि इनमें इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, चिंकोना है। और यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी हाइट के होते हैं, अबाउट 60 मीटर भी इनकी हाइट यहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेट इनके ट्रंक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डेडिकेशियस फॉरेस्ट की। तो ये जो होते हैं 6 to 8 weeks जो है समर के अंदर अपनी लीव गिरा देते हैं। और ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, ड्राई और वेट डेडिकेशियस फॉरेस्ट में। और ये जो जंगल हैं ये हम कह सकते हैं नॉर्थ स्टेट्स फुटहिल ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं वो मोस्टली बैम्बू, साल, शीशम, केर और अर्जुन एट्सेट्रा हैं। ड्राई डेडिकेशियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेन ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड द रेनियर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। इंपॉर्टेंट ट्रीज आर टीक, साल, पीपल एंड नीम। ट्रीज हैव बीन क्लियर्ड इन सम पार्ट्स फॉर कल्टिवेशन फॉर केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, कि भारत में कितने तरह की वनस्पति जो है पाई जाती है उन्हें, और जो हाई एल्टीट्यूड्स पे पाई जाती है वेजिटेशन उसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो इसमें है आपके 5 types हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेडिकेशियस, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। नाउ इन माउंटेनियस एरिया द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन। फिर फर्स्ट है इसमें, द फुट हिल्स ऑफ हिमालय शिवालिक्स हैव ट्रॉपिकल मोइस्ट डेडिकेशियस फ्लोरा। साल एंड बैम्बू आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज, दे आर फॉलोड बाई द वेट हिल फॉरेस्ट, दे लाई बिटवीन अबाउट 1000 to 2000 meters। इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर ओक, चेस्टनट, एश, ब्रिच एट्सेट्रा। और अगर हम बात करें कि ऊंचाई के हिसाब से तो 1500 से 3300 के बीच में जो है वहाँ पे कॉन्फीरियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसके अंदर पाइन है, देदार है, सिल्वर फर है, बर्ड्स, ये जो पेड़ हैं ये मोस्टली पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि अबाउ द कॉन्फीरियस फॉरेस्ट लाइज अल्पाइन फॉरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3600 यानी 3600 meters से भी ऊंची हाइट पे जो पेड़ वनस्पति पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज जो होते हैं वो सिल्वर फर है, पाइन है, ब्रिच है, एट्सेट्रा है। अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड एट प्लेसेस ओवर 3600 और 3600 की मीटर से हाइट की जो ऊंचा है एरिया वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। ट्रीज कॉमन ऑफ दीज आर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइंस एंड ब्रिचेस। दे आर गेट स्टन एट देयर अप्रोच द शो लाइन थ्रू श्रब्स एंड श्रब्स, दे अल्टीमेटली मर्ज इन टू द अल्पाइन ग्रास लैंड। टुंड्रा वेजिटेशन इज लिमिटेड टू लिंचेस एंड मॉशेस, यानी जिस तरह से हाइट बढ़ती जाएगी उस तरह से कौन कौन से फॉरेस्ट जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं उनका ये डिस्क्रिप्शन है। क्वाइट अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड में हैं क्यों? तो ये एक हंटिंग और कॉमर्शियल पर्पज़ की वजह से भी, पॉल्यूशन की वजह से भी हम कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अलाइन स्पीसीज है, इनकी वजह से भी जो है ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ इंडिया रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, कि भारत में जो है फ्लोरा और फ्यूना की एक अच्छी हेरिटेज, अच्छी धरोहर यहाँ पे मिलती है, उसका क्या कारण है। तो यहाँ पे इंडिया तो एक सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पे सभी तरह की जो वैरायटी है फिजिकल फीचर्स में इंडिया की वो मिलती है, जैसे माउंटेन है, पीक है, प्लेन्स है, एटसेट्रा है। दीज रीजन्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसी तरीके से हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो हर एरिया की नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जो है डिफ़र करती है, और इसी वजह से ये जो वेजिटेशन है फ्लोरा और फ्यूना बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। इंडिया हैज़ मानसून क्लाइमेट, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जो हमारे फ्लोरा और फ्यूना को काफ़ी हद तक इफेक्टेड करती है। वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है वो भी अलग अलग एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड में डिफरेंट डिफरेंट होती है, जो कि फ्लोरा और फ्यूना को इफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज ओवर, सो आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई